प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, यहाँ देखिए x²-2x-z, तो इसका हम पहले शून्य निकालें। ठीक है, x²-2x तो -8 मतलब 1 का एलसीएम निकाल के आप देख लीजिए, 2 चौके 8, 2 4 2, तो यहाँ से आपको मिलेगा कि हमें क्या लेना है पैटर्न, 2 4 यानी 4 और 2 में लेना है 4 और 8। ठीक, यहाँ पे हम 4 में से क्या घटा देंगे, मतलब घटाने में मेरा 2 हो जाए और गुणा करने पर 8। ठीक है, तो यहाँ मेरा क्या बन जाएगा, x²-4x और यहाँ पे हम प्लस रखेंगे 2x, 4 और 8 गुणा करने पर, ठीक है, घटाने पर 2 हो जा रहा है और इधर 8। अब यहाँ पे हमें कॉमन लेना होगा, x कॉमन हो जाएगा, x-4 बचेगा। ठीक, और यहाँ से मेरा कॉमन क्या होगा, 2, अगर 8 को छोड़ेंगे 2 और 4, ठीक, 2 मेरा निकलेगा बाहर और बचेगा क्या, x-4 कॉमन, ठीक है, अब बचा क्या, x+2 मेरा बचा। ठीक, यही बचेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे, शून्य निकालेंगे क्या, इस पद का और इस पद का, मतलब इसको x-4=0, इसको इधर भेज दीजिए, x=4, एक ये शून्य निकला इसका और एक ये x+2=0, x=-2, ये शून्य निकला। अब हम यहाँ पे रखेंगे किस पे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता याद करना है, तो शून्यकों का योग पर रख दिया, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ठीक है, तो शून्यकों का योग, अगर ये शून्य निकला है पहला और दूसरा, शून्य का योग करें +4 और +-2, -2 जोड़ रहे हैं हम। ठीक है, और यहाँ -x का गुणांक, यहाँ से देखिए इस x का गुणांक क्या है, मतलब गुणांक किसका है, 2 -2 का, तो माइनस, ठीक, -2 ये मेरा पहले से एरोटी है और इस यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस दिया है ना, तो x जगह पे हमें क्या रखना है, -2, यहाँ माइनस बाहर पहले ही है। ठीक है, यहाँ x जगह पे -2। ठीक, x² का गुणांक कितना है, मतलब आगे कुछ नहीं, तो 1 माना जाता है, 1 हो जाएगा। ठीक, अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 4-2 और ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये +2, 2 = 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा। अब शून्यकों के गुणनफल पे हम देख लें, शून्यकों के गुणनफल, ठीक है, शून्यकों गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे में x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक, तो शून्यकों का गुणनफल जो शून्य का है ये और ये, 4 और -2, उसका गुणनफल मतलब 4 × -2, अचर पद आपका क्या है, यहाँ पर -1। ठीक है, x² का गुणांक क्या है, 1, अब इसका मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा, -1 और इधर क्या है, -1, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही आपका आंसर हो जाएगा।